बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मंजुला फी प्रिज्म के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। तो पाकिस्तान 3 मैचों के बाद 6 पॉइंट्स के साथ अब तो यकीनन उसकी रसाई हो चुकी है सेमीफाइनल में। नामीबिया और स्कॉटलैंड से उसके मैचेस बाकी हैं। 2 नवंबर को नामीबिया से खेलेगी पाकिस्तान की टीम और 7 नवंबर को स्कॉटलैंड से मैच होगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कोशिश होगी कि दोनों मैचेस जीतकर वो अनबीटेबल सेमीफाइनल तक आए ताकि टॉप पोजीशन हासिल करें। इससे उनके फायदा ये हो सकता है कि अगर अब जो दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम है उससे पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा। दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम भी आसान में होगी, वो इंग्लैंड भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, वो साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, वो श्रीलंका भी हो सकती है। पाकिस्तान का रास्ता आप ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान है, मगर जिस तरह से परफॉर्मेंस है उस हिसाब से पाकिस्तान की टीम कामयाबी का सफर तय कर रही है और उम्मीद यही है कि सेमीफाइनल तक आके वैसे ही परफॉर्म करेगी। क्योंकि नॉकआउट स्टेज में टीम का पता चलेगा, वहां ज्यादा प्रेशर होगा बनिस्बत ग्रुप मैचेस के, क्योंकि पता है कि अगर हार भी गए तो अगला मैच भी है, मगर नॉकआउट में यानी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई चांस नहीं है। बहरहाल लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी।